हेलो गाइस, आज हम आपको धोती वाली शलवार की कटिंग बता रहे हैं। इसकी लंबाई है 36, तो 36 में हमें 6 इंच घटाना नहीं है, इसमें पूरा पूरा 36 को ये चौकोर कपड़े को रख लेना। चार तह में हमें फोल्ड करना है इसे, देखिए इस तरह से चार तह फोल्ड कर ली हमने इसे, और हम 35 लंबाई ही निकालना है, इसमें हमें घटाना नहीं है। लेंथ नापेंगे हम 35 इंच की इसकी, पहले कपड़े को एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये हमारी लेंथ है 35 इंच। जैसे निशान लगा के ये पूरा ऊपर से एक से काट देंगे चौकोर कपड़ा हम अपना। ये निशान लगा लेंगे एक से और इसकी कटिंग कर देंगे हम। ये हमारी लंबाई कट गई है। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें आसन का निशान। ये जो सीधी सीधा जो हमारा कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ से आसन लेना है हमें 8 इंच, और इधर से 2 इंच लेना है, और चौकर लेके इसकी गुलाई मिला देंगे हम। उसके बाद यहाँ से मोहरी से हमें लेना है 7 इंच, जहाँ से हमारी मोहरी खुलेगी, इसे निशान लगा देंगे। और ये आसन की गुलाई काटेंगे, पहले हम गोलाई को काट देंगे, और ये एक पल्ला जुड़ा हुआ होता है, इसको भी हम काट देंगे। इसे पूरा काट देना है, और जो हमने 7 इंच का मोहरी का निशान लगाया था, इसमें कट का निशान लगा देंगे हल्का सा। और ये इस तरह से हमारी साइड में प्लेटें बनेंगी इसकी, ये प्लेटें बनेंगी इस तरह से। अब हम बेल्ट निकालेंगे। इसकी 36 लंबाई थी, तो हम बेल्ट की लंबाई इसकी 6 इंच निकालेंगे, लेकिन कपड़े में हम 8 रखेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे नेफे के लिए। कपड़े को फोल्ड कर लेंगे पहले, ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है कपड़ा हमारा। अब यहाँ से 8 इंच लेना है, जैसे बराबर से हम नाप लेंगे 8 8 इंच पे, और चौड़ाई लेना है इसकी 20 इंच, और लंबाई 8 है। सीधी लाइन खींच देंगे, बराबर नाप लेंगे इसको, इस तरह से निशान लगा के बेल्ट कटिंग कर लेंगे अपने। ये काट लिया हमने, और ये साइड से भी कपड़ा हमारा जुड़ा हुआ है, इसे भी हम काट लेंगे। अब इसे डबल कर देंगे, इस तरह से हमारे 4 तह हो जाएंगे। ये हमारा नीचे का पार्ट है, और ये बेल्ट है हमारी, ये बेल्ट रख गई, साइड में प्लेटें रख जाएंगी, देखिए इस तरह से सिलाई होगी इसकी। ये सिर्फ कटिंग है इसकी, ये हमारी